अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, शाहीन नगर वादे सालहीन बस्ती फेस टू से रहने वाला हूँ। आज मैं कारोबारी सिलसिले में 12 एक बजे तक कारोबार करते करते हुए जो है बशीरबाग स्काईलाइन थिएटर के नसीब मैडम ने मेरे को आवाज़ दिया बाबू ऑटो, तो मैं उनको रुकाया। बाबा नगर जाने का था, थोड़ा करमान घाट पर जो है वेटिंग थी, उन्हें शॉपिंग करने का था, उनको मैं बात कर लेके जो है लेके बाबा नगर छोड़ दिया। छोड़ के मेरे कारोबारी सिलसिले में वहाँ से मैं ढल लेते गाड़ी मलक पेट लगाया आके जो है थोड़ा छोड़ा बाबा नगर के लोकेशन में, उमर होटल की गली के थोड़ा आगे के बाद में वो लोकेशन में उनको छोड़ा। बच्चे उन्हें उतर के वो गली में जा रहे सो वहाँ तक देखा मैं उनको, देख के फिर रिटर्न गाड़ी पलटा लेके जो है वहाँ से मलक पेट लगाया मैं आके जो है वहाँ, तो धूप की शिद्दत बहुत हो रही थी, थोड़ा पानी पी के जो है गाड़ी थोड़ा साफ़ करेंगे ना, उनके पीछे से कपड़ा निकालने गए तो बैग दिखना, बैग दिखने की सूरत में बोला ये किसका बैग है भाई, बोल के मैं बैग मेरे दिमाग से सोचा कि मैं ये सवारी छोड़ा या पैसेंजर छोड़ा, ये फलाने सवारी जो है मैं बशीरबाग स्काईलाइन थिएटर से बिठाया था करमान घाट से फिर मैडम को लेकर के छोड़ा बाबा नगर, तो दिमाग से फिर सोचे तो फिर वही बैग जो है मैडम का होगा शायद, बोल के अगर आप मलक पेट से फिर रिटर्न लेके गाड़ी फिर बाबा नगर का है आके जो लोकेशन में उतरे ना, वो लोकेशन पूरा चेक करा देखा, घर पे जाके भी आवाज़ दिया देखा कोई नहीं मिलने की सूरत में, फिर आके जो है वही गली के ना आके ठहरा, बहुत देर ठहर के वेटिंग करा देखा कोई रिलेटिव कोई जान पहचान के लोग कोई मिलते होंगे करते हैं, कोई नहीं मिले, तो फिर जो है मैं धूप की शिद्दत में फिर पानी पी के जो है गाड़ी में बैठ के बैग निकाल के देखा कुछ आईडी मिलता होगा ना फ़ोन नंबर हुआ कुछ, बोल के देखे थे क्या बैग में जो है पार्सल था जो ऑनलाइन बुक करते हैं वो पार्सल पे जो है सो आईडी एड्रेस था उस पर, जैसे कि स्काईलाइन थिएटर बशीरबाग ऐसा लिखे हुआ था, उसको फ़ोन नंबर था, कोड वगैरह था कुछ लिखा हुआ था, तो फ़ोन नंबर लेके मैं फ़ोन करा, सलाम दुआ मैडम सलाम वालेकुम, रियाज ऑटो वाला बात कर रहा हूँ फलाने जगह से, आप स्काईलाइन थिएटर बैठे थे ना मैडम बाबा नगर का, आपको रुक पड़ा था, मैं ऑटो वाला बात कर रहा हूँ जी, आप कहाँ हैं आप बोलते, मैं बोला आपके घर के सामने मैं जहाँ आप गए थे आपके रिलेशन में आए थे या आपके माता नए थे वो मेरे को नहीं मालूम, आप जो फलाने एरिए से बैठे थे बशीरबाग से आपने ड्रॉप करा था, मैं वहाँ पर ही हूँ मैडम, मतलब मैं केस बुक करी थी भैया, ठीक है मुश्किल नहीं आप रुकीजिए, तो मैं ठीक है रुका, उनके बच्चों को भेजे उनके वालदा को लिया, आप जब यहाँ उनके घर पे थे और उन्होंने कंप्लेंट करने चंद्रन गुटा पीएस जी मैं रिटर्न हुआ हुए तक लग जैसे कंप्लेंट करने के लिए वो चंद्रन गुटा पीएस गए, मैं आके देखा, देखने से भी उन्होंने मेरे को नहीं मिले और उनके वहाँ से वेटिंग में ठहरा, कोई रिलेटिव मिलते उनके बच्चे दिखते कोई नहीं दिखने की सूरत में ठहरा, फिर बैग चेक करे तो वो पार्सल दिखा, उसमें फ़ोन नंबर निकलने से वो फ़ोन नंबर लेके मैं फ़ोन करा, अरे तो उन्होंने ऑलरेडी देने की नीयत से मैं घर पे आया रुका, मैं फ़ोन करा उनको, फ़ोन करे तो उन्होंने बोले कि मैं पीएस में हूँ कंप्लेंट देने आई थी, लिहाजा भैया आप वहीं रुकीजिए मैं बच्चों को भेज दूँ आपको, फोर्थ फ्लोर पर मेरे माँ रहते हैं वहाँ जाइए, तो मेरे को भी मुतमिन था ना फोर्थ पे गए थर्ड पे गए, तो उन्होंने बोलने से उनके बच्चों को भेजे, भेज के जो उनके माँ को जो है मैं ले आके दे दिया, दे दे के उन्होंने अकाउंट के लिए जो है अच्छा बुरा सब देख लेके, फिर मैं मैडम को फ़ोन करा, फौजिया मैडम को फ़ोन करे तो मैडम बोले कि भैया आप टेंशन मत लीजिए कॉन्स्टेबल से रहते देखो नीचे आप, मैं उनको आपका नंबर दे देता हूँ आप उनसे मिल लीजिए बात कर लीजिए, मतलब ठीक है मैडम मुश्किल नहीं है, फिर नीचे उतरा फोर्थ फ्लोर से नीचे उतरा, ऑलरेडी मौजूद थे मौजूद उनसे बात की सलाम दुआ है बेस्ट काम करे भैया, बोल के उन्होंने भी जो है बहुत तारीफ़ करे, उतरे में सर्कल साहब आके जो है उन्होंने भी खुश हो के बहुत खुश हो गए, साहब आके वर्मा साहब चंद्रन गुट्टा पीएस के सर्कल साहब वर्मा साहब, मैं भी उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ साहब, जय दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे लोग हमारे जैसे कि हम लोकल ऑटो वाले हैं लोकल हैदराबाद ऑटो ड्राइवर से ऐसे लोग हमारे बीच में रहते और हम बहुत क्राइम होंगे हर वो चीज़ से हम बहुत बेहतर रहेंगे सर, क्योंकि आज आके जो हमारा हौसला बढ़ाया उन्होंने आके जो जैसे कि ऑटो ड्राइवर अब जैसे कि पैसेंजर ही छे कोई वाईफाई बड़े लोग रहते ये ऑटो वो ऑटो ऐसा बोलो चीज़ ये डायरेक्ट सर जो है सो कार रुका के रोड क्रॉस करके आ गया हाथ मिला के गले लपट के जो है विशेष करे हम आपके बोले कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं बोला कि सर ये हम ये लफड़ों में पहली बात तो जाते नहीं, पुलिस वाले हमारी गाड़ी रुका रहे बोलते हम 12 गलियों में से चले जाते, हम पाला ही नहीं पड़ा सर आप हमारे थोड़ा टेंशन लगेगा, तो साहब बोले कि आपको टेंशन क्या जी आप इतना अच्छा बेस्ट काम कर रहे हैं आपके लिए मैं वहाँ से यहाँ को आया हूँ आपसे मिलने के लिए, ये फिर गले लपटा के जो बहुत बहुत विशेष दिए और हाथ मिलाए गले मिले बहुत बहुत विशेष दिए, फिर जैसे वो पार्सल जो मिला था मंगा के जैसे उनके बच्चों का हैंडल दे दिए, फिर वो सार मेरे को जैसे मेरे को रिकवरी रिवार्ड दी बुला के जैसे फोटोज लिए वीडियोस लेके जैसे रिवार्ड दिए 500 रुपये, बहुत खुशी महसूस की हमारे को भी कोई इतना रिस्पेक्ट करता हमारे ऑटो ड्राइवर से इतना इज्जत देता, अब आप क्या दूसरे ऑटो वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप ये काम करे तो दूसरे ऑटो वाले आपसे क्या क्या सीखेंगे, तो भाई ये अपनी
हखलाल की कमाई, अपन सुबह निकलते कारोबार से गैस की निकलना, गाड़ी का किराया निकलना, अच्छा बुरा घर का खर्चा पानी अच्छा बुरा निकलना, अपन जो नियत करते बरक अल्लाह ताला अपने को नवाजता, अपन घर चलता अपने किसी भी बुरी हालत में अपना घर चलता। लेकिन देखो भाई, किसी की अमानत अपने को मिली करी तो जिसकी अमानत है उसको पहुँचा देना, ये मेरा सोचता हूँ मेरे भाइयों को, मेरे ड्राइवरों को, हर किसी को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि किसी का अपने को हराम का नहीं चाहिए। हराम का इस वजह से कि किसी का रिस्क अपन किसी को जैसे कि ऑटो में मिला, वो किसी की शादी के लिए रहता, किसी के अच्छे के लिए रहता, किसी बुरे के लिए, कोई दवाखाना के लिए रहता, कोई इमरजेंसी के पैसे कोई मिट्टी से लाते, कोई अच्छे के लिए बुरे के लिए लाते, तो भाई उनकी बदवा अपने को नहीं चाहिए। खुशी से वो 500 हज़ार रुपये दिए, वही बस है अपने को, दिए दिए नहीं दिए मुश्किल है। तो ये मैसेज मैं मेरे पूरे भाइयों को, ऑटो ड्राइवर को भी बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अपने को हक़ ही मांगना चाहिए बस।